हम बनाएंगे चने के साग के पराठा। चने का साग ये कटा हुआ है और इसको मैंने डलिया में रखा हुआ है। इसके लिए आटे का डो लगाएंगे। मैंने आटा ले लिया, आटा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें डालेंगे चने का साग, इसको ऐसे मिक्स करके देखेंगे। ये परफेक्ट है। अगर आपको इससे ज़्यादा भी ऐड करना है तो और थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। जार में डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कली, हरी धनिया बारीक, 2 से 3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इसका एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया का पेस्ट बन के तैयार है। इसको इसमें ऐड कर देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अभी आटा गूंथने के उसमें काम में ले लेंगे। इसको पूरा ऐड कर देंगे ये पानी। इसमें अब हम डालेंगे हींग, हाफ मतलब हींग की क्वांटिटी हिसाब से आप थोड़ी सी, हाफ टी स्पून से भी कम हींग। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है जिससे ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। ये पराठा काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। आप चाहे तो इसमें जो है अदरक बारीक लहसुन बारीक काट के भी डाल सकते हैं, धनिया और लहसुन हरी मिर्ची बारीक काट, लेकिन पीसने में जो टेस्ट है वो अलग ही आता है, इसलिए पीस के ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको बारीक काट के डालना है तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। मैं वही पानी यूज कर रही हूँ जो जार में मैंने अभी हरी धनिया मिर्ची का पेस्ट बनाया है, उसको ही ऐड कर रही हूँ। इसमें सॉफ्ट सा एक पराठे के लिए डो तैयार कर लेंगे। ये पराठा काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, इनको चाय के साथ आप खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक डो बना के तैयार कर लेंगे। डो लगा के हम मैंने तैयार कर दिया। इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल आप ऊपर से लगा सकते हैं। उसके बाद ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम पराठा बनाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब आटा को हम एक बार हाथ से और मसल लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसके पराठा बनाएंगे। अब हम पराठा बनाएंगे, एक छोटी सी लोई लेंगे, मतलब जिस साइज़ का भी आप लोग पराठा बनाते हो उस साइज की लोई लेनी है। इसको हम बेल लेंगे, सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम पराठे को बेल लेंगे। बहुत इजीली बेल जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती कि ये जो है आप किसी भी शेप में पराठा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गोल शेप या किसी भी शेप में आपको बनाना हो उस शेप में आप पराठा बना सकते हैं। बहुत इजीली बिल जाते हैं। ये देखिए, एक पराठा को बेल के मैं आपको दिखा रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं ये पराठा। एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। चने का साग है ये, उससे मैं पराठा बना रही हूँ। पराठा बिलकर हमारा तैयार है। ये देखिए, तवा हमारा गरम हो रहा है। तवा हमारा गरम हो गया, अब इसमें हम पराठा को डाल देंगे जो हमने बेल के रखा था। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, ऑयल लगा के इसको अच्छे से सेक लिया। पराठा को हम पलट देंगे। पराठा हमारा एक साइड से हो गया है, हम इसमें ऑयल लगा के सेक लेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से सेक लेंगे इसको। दोनों तरफ से ऑयल लगाएंगे।
से सेक लेंगे। पराठा सिककर हमारा रेडी है। हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, इसी तरीके से दूसरा भी डाल देंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरीके से सारे पराठे हम सेक लेंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये पराठे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। बेलने में तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप किसी भी शेप में इसको बेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फटते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, सब कुछ भी नहीं है, इजीली बेल जाते हैं। आप किसी भी शेप में इन पराठों को बेल सकते हैं। दूसरा पराठा भी देखिए, मेरा सिक्के एकदम तैयार है, इसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको आप चने के साग के पराठा बनकर हमारे रेडी है। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।